नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी इंडिया न्यूज। और आज हम बैठे हैं ऋचा निरुजी के साथ। इन्होंने सेमिनार में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए क्या कुछ बताया, आइए इनसे जानते हैं। जी आप इंडस्ट्री में, नोएडा इंडस्ट्री में वुमेन्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट के थ्रू ये जो सेमिनार किया जा रहा है, इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसमें क्या कुछ आपने किया आप मुझे बताइए। देखिए गुंजन, मुझे ना इसमें दो पहलू लगते हैं। एक तो महिलाओं को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। क्या होता है कि कई बार एक वर्किंग वुमन बहुत डरी भी होती है कि अगर मैं कुछ आवाज उठाऊंगी तो मेरी मेरी ग्रोथ ना रुक जाए, मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, खासकर अगर आपको हैरेस करने वाला आपका सीनियर है, आपका बॉस है, तो बहुत सारी महिलाएं, तो एक तो उस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है कि भाई देखिए आप आवाज नहीं उठाएंगी तो आपके जैसे और बहुत सारे लोग विक्टिम बनते रहेंगे। दूसरा मेरा मानना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बहुत सारी मैं कई बार कोई बिना हाथ लगाए भी आपको बहुत बुरी तरह से हैरेस कर सकता है, या तो सिर्फ अपने बिहेवियर से, आपको देखने के तरीके से, या फिर अपने अपनी भाषा से, वो आपसे क्या बोलता है। कई बार होता है ना कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से मजाक होते हैं, तो उसको हमें काउंटर करना आना चाहिए, क्योंकि उससे लड़ना मुझे लगता है अगर हम उसी वो शायद फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको वर्बली हैरेस कर रहा है या अपने बिहेवियर से आपको हैरेस कर रहा है, आप अगर वही रोक लेंगे तो फिर वो फिजिकल वाली स्थिति तक नहीं पहुंचेगा। और तीसरा मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, हमेशा कोई भी विमेन रिलेटेड इश्यूज में होता है, जब हम ये कहते हैं ना महिलाओं को ही आना चाहिए, महिलाओं को स्ट्रांग होना चाहिए, महिलाओं को, हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी है तो उसकी जड़ें वही हैं, परवरिश में, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। लड़कों को जिनको अगर हमेशा हम सुपीरियर बना के एक बेटे को पालते पोसते हैं और बेटी को हमेशा ये कि बेटा नजरें नीचे करके चली जाना, तो वो वहां जब जड़ें जड़ों में बदलाव आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो पेड़ है वो सुधरा हुआ होगा। मैम, जैसे कि आप जानती होंगे कि इंडस्ट्री में एक आप न्यूज चैनल में थे, न्यूज एंकर हैं, और मैम आपके साथ मैम बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे एंकर्स हैं जो छोटे बनने के लिए बड़े तक पहुंचते हैं, उनके साथ ये सब होता है, तो उनसे कैसे बचाव किया जाए वो बताइए। मुझे वही लगता है कि आपको एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होता है कि अपनी प्रायोरिटीज सही आपकी सेट होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। भाई आप तैयार हैं तो मतलब फिर वो अलग बात है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप अगर विक्टिम बनाई जा रही है कहीं पे, तो आपको आवाज उठानी होगी। अगर कोई चीज आपके साथ हो रही है जो आपको नहीं पसंद है, तो फिर आपको आवाज उठानी होगी। और वो एक कई बार आसान डिसीजन नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, बट मुझे लगता है वो बोलना जरूरी है। नेम एंड शेम द पर्सन, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भाई आप हो सकता है वो कंपनी छोड़ दें या वो चैनल छोड़ दें, लेकिन कम से कम दुनिया के सामने असलियत तो आए, जो भी वो आदमी है उसकी असलियत सामने आनी जरूरी है। मैम, जैसे कि आज की जनरेशन और आज का यूथ जो है, बेसिकली लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, आजकल लड़कियाँ भी लड़कों को हैरेस करने में एक मामला पीछे नहीं छोड़ती हैं, तो उस बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, और मुझे इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, कोई भी ये जो जो भी हमारे कानून बनते हैं जहाँ पे प्रताड़ित की जाने वाली महिलाओं की मदद के लिए बनते हैं, उसका कई बार जो दुरुपयोग होता है, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे डाउरी एक्ट हो, चाहे इस तरह की पॉश के जो प्रोविजंस हैं, तो कई बार महिलाएं अपना स्कोर सेटल करने के लिए, या पहले हो सकता है आप अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में आप रिलेशनशिप में एंटर हुई, फिर आपको लगा कि अरे ये तो शादी नहीं हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आपने उसके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया। मुझे लगता है बहुत गलत है। क्या होता है ना, जब भी कोई एम्पावर्ड वुमन किसी भी कानून का मिसयूज करती है, तो वो ये भूल जाती है कि एक परसेप्शन बन जाता है सोसाइटी ने, फटाफट देखो इस लड़की ने मिसयूज किया, सारी लड़कियां करती हैं, सारी लड़कियां सारी महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, और फिर बहुत सारी जेन्युइन जो विक्टिम्स है ना, आप उनका उनको नुकसान पहुंचाती है। तो मुझे लगता है किसी भी सिर्फ इसमें नहीं, जैसे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस का आजकल बहुत मिसयूज हो रहा है, डाउरी एक्ट का बहुत मिसयूज हो रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। मतलब आप जो दूसरे को हैरेस करें तो अलग बात है, इस ये जो कानून आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं विक्टिम महिलाओं के लिए, उसका भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो वहां मुझे लगता है कि ये तो हमें खुद अपने अंदर झांक कर सोचना होगा, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता ये चीज। तो आपने सुना वेबिनार की क्या कुछ जानकारी दी गई, तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू मीडिया न्यूज। नमस्कार।